सीरियल अनुपमा की कहानी में आप देख रहे हैं कि अनुपमा बहुत ही अच्छे से अनुज के घर को संभाल रही है। वेल, अनुपमा अपने आप में अनुपमा है, जिसने इतने बड़े परिवार को संभाल कर रखा, तो फिर अनुज क्या चीज़ है। वेल, ऐसे में आप देखेंगे कि लीला एक बहुत बड़ा फैसला लेती हुई आएगी नज़र क्रिसमस ईव पर, जब अनु मालविका को मनाने में कामयाब हो जाती है और अनुज और मालविका की सुलह जब करवा देती है तो अनुज बहुत खुश होता है और इसीलिए वो अपनी हैप्पी फैमिली में अनुपमा को भी उसका हाथ थाम कर शामिल कर लेता है। ये नज़ारा अपनी आंखों से लीला माँ देखकर भी थोड़ी सी हैरान रह जाती हैं, थोड़ी सी हिचकिचाती हैं कि वो इस सिनेरियो को कैसे एक्सेप्ट करें। तो वहीं दूसरी ओर अब बापूजी और लीला इस बारे में बात करेंगे, तब लीला फैसला लेगी अनुज और अनुपमा के रिश्ते को एक नए मुकाम तक ले जाने का, जिसके लिए वो इन दोनों के सामने इन दोनों से बात करने वाली है और कहने वाली है कि तुम दोनों अगर एक दूसरे को इतना पसंद करते हो तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते। तो इस तरह से अब देखेंगे आप कि अनुज और अनुपमा रह जाएंगे हैरान कि आखिर लीला ऐसे शब्द कैसे कह सकती है, क्योंकि हमेशा से वो तो इनकी फ्रेंडशिप के भी अगेंस्ट रही है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा नया मोड़ लेने वाली है सीरियल अनुपमा की कहानी।